हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल जिसका नाम है वेक सुमन व्लॉग्स। तो गाइस ये देखिए, मैं हूँ निजामुद्दीन स्टेशन पर। यहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे 1284 निजामुद्दीन एर्नाकुलम दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि मेरे लेफ्ट में है। मैं अभी अपने बोगी की तरफ जा रहा हूँ। मेरा जो कोच है S2, मैं अपन स्लीपर क्लास में सफ़र करेंगे। इस ट्रेन में खास बात यह है कि आपको स्लीपर में भी मील का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे आप टिकट के टाइम पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्लस 25 या 35 रुपीज़ ऐड करके आपको बेड रोल भी मिल जाता है। तो यही है अपनी ट्रेन जिसे अपन आज ट्रेवल करेंगे। तो चलिए अपनी ट्रेन तो बोगी की तरफ चलते हैं। मेरे साथ ट्रेवल कर रहे हैं मेरे पापा मम्मी, जो कि वो उनका है एसी में, थर्ड एसी में है उनका रिजर्वेशन, मेरा स्लीपर में है। क्योंकि अपन अभी गरीब ही तो बोला ना, तो इसीलिए तो चलिए चलते हैं अपन। तो कैसा पूरा एक्सपीरियंस रहता है इस ट्रेन का, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ट्रेन तो अच्छी है, दुरंतो एज कम्पेयर टू राजधानी ट्रेन है, तो ठंड भी काफ़ी है गाइस निजामुद्दीन पर, मतलब दिल्ली में। एक्चुअली गाइस ये देखिए, ये अपनी मैं अपनी सीट पर हूँ। मैं अपने नहीं, जैसे पिंगर रिजर्वेशन थे वहाँ पर क्या था, वहाँ से मैंने शिफ्ट कर लिया। और यही मेरी गलती रही, क्योंकि जिनसे मैंने शिफ्ट किया था, एक्सचेंज की थी सीट, उनका मील ऑप्शन नहीं था। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई उनको भी, और उनको मैंने बार बार फ़ोन करना पड़ा ब्रेकफास्ट के टाइम पर, मील के टाइम पर। तो वहाँ से उन्होंने कलेक्ट किया, मुझे ला के दिया। तो ये मैं स्लीपर में देखिए मैं उठ चुका हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ मैं उठ के अपना देख रहा हूँ अपने आप को, वहाँ जाके आप एकदम डल हो जाता है फेस। और ये देखिए वैसे मेरे लिप्स भी वहाँ पे ख़राब हो गए थे। और आप सामने देख सकते हैं ट्रेन खड़ी हुई है। चलो, और ये अटेंडेंट हैं, कोच अटेंडेंट, जो कि अपना काम कर रहे हैं। नीचे का माहौल ऐसा है। तो गाइस गलती ये हो गई कि मुझे ना जो सीट है वो एक्सचेंज नहीं करनी चाहिए थी। तो आप लोग भी जा रहे हैं, जैसे राजधानी ट्रेन से ये ट्रेन है, तो आप लोग उनसे चेंज करते वक्त ये पता कर लीजिएगा मेल का ऑप्शन है कि नहीं आपका, या फिर बेड रोल का ऑप्शन है कि नहीं आपका। तो इसी यही मेरे से गलती हो गई कि मैंने उनको पूछा नहीं, फिर मुझे चेंज नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या उससे क्या है ना, दोनों को तकलीफें नहीं हो कम होंगी। तो काफ़ी बाकी जो एक्सपीरियंस है उस दुरंतो का काफ़ी अच्छा था। ट्रेन अपनी चल रही है। और अभी हम जो सफ़र कर रहे हैं उसमें DSR तक कर रहे हैं, वसई रोड तक। सुरेश देखिए यहाँ अपना लंच आ चुका है। लंच में है, मैं आपको भी तो खोल के दिखाता हूँ क्या क्या है। तो भूख भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगी थी, और मैंने मतलब जिन्होंने मुझसे सीट एक्सचेंज किया था उनको मैंने फ़ोन किया, और वो मुझे लेके आए यहाँ पर, देखने आए थे। दिनों से उनका एक्चुअली 20 लोगों का ग्रुप था, कॉलेज स्टूडेंट्स थे, अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे वो लोग मडगांव। तो बस ये देखिए सारी चीज़ें हैं। और
काफी अच्छा रहा सफर। जैसे कि रात में मुझे ठंड भी नहीं लगी, बेड रोल था लेकिन मैंने सिर्फ चादर से काम चल गया था, इतनी ज्यादा ठंड नहीं लगी। सुबह देखिए खाने में है अपना दो रोटी, आलू मटर की सब्जी, चावल है, दाल है और अचार है और दही है, तो ये सब आपको खाने को मिलेगा। टेस्ट करते हैं कैसा टेस्ट है इसका। ये काफी अच्छा था, मैंने टेस्ट आलू का अच्छा था, आलू थोड़ा सा कम पका हुआ था, ऐसे ही चावल कम पके हुए हैं। तो चलिए खाना खा लेते हैं अपन अभी, इसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। मैं BSR उतर चुका हूँ और अभी मैं चलता हूँ पापा मम्मी की तरफ, जहाँ पे पापा मम्मी है मेरा, क्योंकि इंजन से के पास में था बेबी जो मेरी थी, और पापा के थोड़ी दूर है, तो चलिए अपन चलते हैं पापा के मतलब पास में। अभी उतर गए हैं इन पापा भी, तो ये है मैंने मुंबई का महाराष्ट्र का रेलवे स्टेशन BSR वसई रोड, जिसका स्टेशन कोड है BSR। यहाँ से अभी हमको कल्याण जाना है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो ये देखिए मम्मी पापा है, तो चलो अभी डिसाइड करते हैं कैसे जाना है कहाँ जाना है। सो गाइस अभी हम लोग यहीं पर वेट करेंगे, यहीं पर बैठ चुके हैं और करेंगे एक ट्रेन का जो कि 3:30 को BSR से दिवा के लिए जाती है, नैनो ट्रेन है, मतलब ये हमारा हाफ टाइम बच जाएगा, जो जहाँ हमें दो घंटे लगेंगे वहाँ एक घंटा लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा दादर और फिर दादर से कल्याण, मतलब दादर के लिए यहाँ से एक घंटा सवा घंटा कुछ लगता है और फिर दादर से कल्याण भी एक घंटा, तो दो ढाई घंटा लग जाएंगे। लेकिन यहाँ से हम जाएंगे तो 50 मिनट तो वहाँ से देवा और देवा से फिर आधा घंटा कल्याण, मतलब डेढ़ घंटे के लगभग हम लोग अपना कल्याण पहुँच जाएंगे। तो चलिए वेट करते हैं उस ट्रेन का। देखिए ट्रेन आ चुके, हम लोग बैठ चुके हैं कैब, मतलब कैब में बैठे हैं, पापा हैं, मैं हूँ, तो हम लोग अभी निकल चुके हैं, निकलने वाले हैं यहाँ से। देखिए निकल चुके हैं BSR स्टेशन से और यहाँ से हम लोग फिर दिवा के लिए हुई डायरेक्ट ट्रेन दिवा जाएगी, उसके बाद दिवा से हमको मतलब हम लोग कोपर उतरेंगे, दिवा नहीं कोपर उतरेंगे, कोपर से क्या है नीचे हम लोग ट्रेन पकड़ देंगे कल्याण के लिए, कोपर बेनीवाली ठाकुरली और कल्याण। चलिए धीरे धीरे अपनी ट्रेन में चल चुकी है, तो आप लोग आनंद लीजिए ट्रेन का।
Indian if you leave the air station. Yes, I will. ये आप ब्रिज देखे तो व्यू आ रहा है, अगर मतलब काफ़ी अच्छा और नाइट में तो और अच्छा व्यू आता है। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हम मुंबई पहुंच चुके हैं और थैंक यू।